हेलो स्टूडेंट्स, अभी आगे का जो कन्वर्जन है वो है कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर टू द डेसिमल नंबर। ठीक है, हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल देख लिया है कन्वर्जन। ठीक है, तो अभी ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। ऑक्टल मतलब टू द बेस 8, बाइनरी में क्या था टू द बेस 2, इसलिए हम लोग 2 के पावर लेते थे इंडेक्स में जो भी नंबर था। अब यहाँ पर हम लोग 8 के पावर में लेंगे जो भी इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स कैसा होगा नंबर का, ये आपका नंबर है इवन नंबर, ऑक्टल नंबर, तो इसके पावर इंडेक्स के कुछ इस तरह से है 0, 1, 2 एंड 3, ये सारे इंडेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला डिजिट जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे 2, सो 2 × 2 to the power, यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट दोनों सिमिलर है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर वाला पहले लिया है। ठीक है, सो 2 × 8 to the power 3, ठीक है, प्लस 3 × 8 to the power 2, प्लस 2 × 8 to the power 1, प्लस 2 × 8 to the power 0। फिर हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो भी हाईएस्ट पावर है उसका कन्वर्ट कर लीजिए, 8 का क्यूब होता है 512, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा 1024। उसके बाद है 8 का स्क्वायर कितना है 64, राइट, मल्टीप्लाई बाय 3 विल जनरेट 192। इसके बाद है 2 × 8 to the power 1, एनी नंबर टू द पावर 1 विल बी दैट नंबर ओनली, दैट मीन्स 2 × 8 दैट इज इक्वल टू 60, और 2 × 8 to the power 0, एनी नंबर टू द पावर 0 विल जनरेट 1, 0 मत कर देना यहाँ पे, कोई भी पावर नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसका 1 ही आता है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, 2 × 1 दैट विल जनरेट 2 ओनली। देन नेक्स्ट एडिशन करना है सब नंबर्स का, उसके बाद आपको जो नंबर मिलेगा वो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कहलाएगा। ठीक है, दिस वॉज रिगार्डिंग ऑक्टल नंबर टू द डेसिमल नंबर। यहाँ पे ध्यान रखने के लिए यही चीज है कि आपको पावर्स किसके लेने हैं, 8 के, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है, इसलिए हम 8 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर है, और जो जनरेट होगा उसका एडिशन करके फाइनल नंबर हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू द डेसिमल नंबर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने लायक ये है कि एज द नंबर इज हेक्साडेसिमल सो द बेस विल बी 60, राइट, दैट मींस लाइक दिस योर प्रॉब्लम विल कम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा डेसिमल नंबर जनरेट होगा। अब यहाँ पर BC 1 2, ध्यान रखने लायक ये दूसरी एक और बात बता दूं, क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं और उसके बाद में अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर एफ तक। ठीक है, तो इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, राइट, 0 to 15 जो नंबर का इंडिकेशन होता है, 0 to 15 मतलब टोटल 16 डिजिट्स। ठीक है, सो 0 to 9 विल बी फर्स्ट 10 डिजिट्स, जब 10 आएगा तो उसे हम ए लिखते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में अगर 10 आता है तो 10 को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और 11 जब होगा तो उसके लिए हम बी रिप्रेजेंट करते हैं, 12 होगा तो सी, 13 होगा तो डी, इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल है उसका रिप्रेजेंटेशन ही कुछ ऐसा है, मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, तो वो डेफिनेशन आप रिवाइज कर लेना अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, सो प्लीज लुक आउट दैट, रीड आउट दैट एंड लर्न दैट, ओके, कि हेक्साडेसिमल में कौन से नंबर्स अलाउड है। तो यहाँ पर बी के लिए आएगा बच्चों 11, क्या आ रहा है बी के लिए 11, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 लिखा, जबकि मुझे ये नंबर कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं क्या लूंगी यहाँ पे 16, और पावर आएगा 3, क्योंकि बी थर्ड इंडेक्स पे है, कौन से इंडेक्स नंबर पर है, ये 0th इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स या सेकंड इंडेक्स या थर्ड इंडेक्स, इस तरह से हम लोग इंडेक्सेस लेते थे, एडिशन ही
करना है, आप ऐसे भी ले सकते हो ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन ये नंबर्स को इसकी पावर के साथ ही करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। और वो पावर किसका होगा 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है। 11 इंटू 16 टू द पावर 3 प्लस, अब यहाँ पे सी है, सी के लिए क्या है 12, सो 12 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस, देन नेक्स्ट नंबर इज 1 इंटू 16 टू द पावर 1, देन नेक्स्ट नंबर इज 2 इंटू 16 टू द पावर 0। इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, 16 का क्यूब कैलकुलेट करिए, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 16 के स्क्वायर को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 16 टू द पावर 1 विल बी 16 ओनली, 16 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 16 टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 2। सारे ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद और एडिशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा BC12 टू द बेस 16 इज इक्वल टू 48146 टू द बेस 10, दिस विल बी फाइनल आंसर। कुछ इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। इसका भी फाइनल आंसर हमें इस तरह से लिखना है बच्चों, 2322 टू द बेस 8 विल बी इक्वल टू दिस, दिस इज नथिंग बट द फाइनल आंसर। गॉट द थिंग्स, इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर यही फिनिश होता है, ठीक है। आप लोग एक बार इसे रिवाइज कीजिए और एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, थैंक यू।